Let's not forget, Hindustan और रूस पुराने दोस्त हैं। इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। रूस ने भारत से करीब 4 अरब डॉलर के हथियार का आयात किया है। Now America certainly wants a good relationship with India. और ये भी कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ हैं। The United States is satisfied with India's efforts to ensure accountability in the alleged assassination plot of Khalistani terrorist Gurpatwant Singh Pannu. And so far, knock on wood. I would say the administration is satisfied with the accountability that we've demanded on this. This is an important message jo Moscow is sending to Washington ke hum India ke kareeb hain, India ke dost hain, we stand with India. Aap masla Kashmir ko sirf is context mein dekh sakte hain ke Pakistan aur India ke darmiyan jab ek faisla kun jung hogi jisme ya Pakistan bachega ya India bachega, uske baad Kashmir ka faisla hoga. Russia par pabandiyon ke bawajood bhi India ne record tod तेल खरीदा है, खाम तेल खरीदा है रशिया से, और वो भी डॉलर में नहीं, इंडियन रुपी। इसलिए रूस का जो मिलिट्री कोलैबोरेशन है वो बहुत है, और काफी हद तक इंडियन एम्यूनेशन और चीजें जो हैं वो शायद रूस से आते हैं। इंडिया ने तब रशिया को सपोर्ट किया जब इंटरनेशनली रशिया पर बहुत ज्यादा दबाव था, कोई भी कंट्री रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहा था, तब इंडिया ने खाम ऑयल खरीदा। ये हथियार रूस ने तब खरीदे हैं जब वो खुद भारत को सबसे ज्यादा हथियार बेचता है। बताया जा रहा है कि इन हथियारों के लिए रूस की कंपनियों ने भारत को रुपए में भुगतान किया है। तो दोस्तों, ये जब बात हुई ना, तब मैंने देखा कि यार धीरे 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 अब डेवलपमेंट होना शुरू हो रहा है। फिर मैंने पढ़ा कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है उसको बोल दिया कि 2025 के बाद आपका सालाना जो सेल्स है वो 5 अरब डॉलर की होनी चाहिए। उनको टारगेट मिल गया 5 अरब डॉलर का। अब 32.5% पिछले साल से, जो 22-23 का था ना, वो 23-24 में 32.5% ग्रोथ करा। आप ये तो बहुत ही खतरनाक ग्रोथ है। कैसे हो तुम लोग? द अमेरिकन्स वांट टू नो, द यूरोपियंस वांट टू नो, एवरीबॉडी वांट्स टू नो, ये करते कैसे? दोस्तों, कुछ बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि इनकी बीड़ियां खोल दी गई हैं और कोई बात नहीं है। ब्यूरोक्रेसी हटा दी, टैलेंटेड पहले भी थे, इनका बजट बढ़ा दिया, इनकी ब्यूरोक्रेसी हटा दी, इनको बोला प्रधानमंत्री जी ने कि जी मुझे ये चाहिए, क्या आप कर सकते हैं? उन्होंने बोला सर आपका हुक्म श्रीमान, काम हो जाएगा, बढ़िया काम होगा, कम बजट में होगा, एक्सलेंट काम होगा, दुनिया देख के ताली हो जाएगी, भारत का जो झंडा है ना वो चांद पे लहराएगा, अब आप बताइए क्या करना? बोला डन, कोई दिक्कत होगी मुझे फोन करना। बीच में से पूरी लाल फीता शाही जो है वो काट के जला दी मोदी जी ने। ये वही है और कोई स्टोरी नहीं है दोस्तों। यही काम आज से 30-35-40-50 साल पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ हो जाता ना, मैं आपको बता रहा हूं आज भारत को ये रफेल वफेल ये सब कोई इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। अगर एचएल का ये सब हट जाता पहले, भारत को इंपोर्ट थोड़ा ना करना पड़ता है, सब भारत खुद बनाता। अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक बहुत गंदे साइकिल में चले गए थे पहले, बहुत गंदे साइकिल में, अब उससे बाहर निकल चुके हैं हम लोग। सो दैट इज अ कॉज ऑफ सेलिब्रेशन। ये जो पन्नू है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसके ऊपर इंडिया क्लेम करता है कि ये खालिस्तान का सपोर्टर है, खालिस्तानी है, खालिस्तानी इज़ अ टेररिस्ट। तो क्यों अमेरिका में कौन सपोर्ट करता है इसे, क्यों वो आराम से घूम रहा है और उसको कोई अरेस्ट नहीं करता? See, I see the it's a very interesting question, Rohit ji. I personally think that anybody is allowed to freely speak their mind, but when it comes to threats versus the freedom of speech, that's where I draw the line. For instance, when this particular gentleman threatened Indian diplomats within America, I think that's when as a country we should have taken some stance, but we didn't, and I object to that kind of situations. If this is continues, then I think many of the countries are going to look at it from a perspective of that America might not be safe at all, and that's actually not true at all, or that's actually not the reality. So I think you know, our standpoint from a freedom of speech perspective, I totally am with it, but I think there has to be some kind of line, and obviously administration have to make that decision. For personally speaking, I think when he came and actually threatened terror attacks in Indian territory or the diplomats here situated here, that's when American government should have taken some
strong stand, which I didn't see happen. And I'm quite disappointed on that, by the way. Make in India. जी, हमने इंडिया में चीजें बनानी है, तो वो भी एक एडवांटेज उनको जाता है. और ये भी एक बात चल रही है मेक इन इंडिया में कि जो मोदी जी की गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि हम हर साल जो तकरीबन $5 अरब की आर्म्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं. तो ये जो $5 अरब की आर्म्स एक्सपोर्ट एनुअली है, तो इट मीन्स के वक्त के साथ साथ शायद वो बहुत सारी चीजें जो है वो खुद भी इस वक्त तो शायद वो तकरीबन $1.2-3 अरब की आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं. बल्कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी ही इतनी ही आर्म्स एक्सपोर्ट इस वक्त दुनिया में कर रहा है. और इकोनॉमी के हवाले से भी बात की जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ $130 अरब तो व्यूअर्स ये हैं जो अगले 7-8 साल में लगा रहे हैं. लेकिन इससे पहले भी इंडिया ने वो कम पैसा नहीं लगाया. पिछली जो डेकेड गुजरी है, 10-15 साल गुजरे हैं, इंडिया ने कुछ $100 अरब से ज्यादा का जो पैसा वो है वो ऑलरेडी लगा चुका है. स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इस तरह है कि जब भारत, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में बड़े बड़े जो जिसे हम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जब उनको पता चल रहा है कि जी भारत अगले 7-8 साल में ये इतना पैसा लगाएगा, तो वो मक्खियों की तरह गिर्द गिर्द भारत के बैठेंगे और कहेंगे कि भाई देखो इस मुल्क ने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करनी है, हम इसको क्या क्या दे सकते हैं. मिसाल के तौर पर जो इंडियन एयरफोर्स है वो तकरीबन 114 मीडियम फाइटर्स खरीदना चाहती है. तो जो भी फिर कंपनियां हैं, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, साब, मिग, तो ये सारे के सारे वो समझते हैं कि ये तकरीबन $25 अरब का प्रोजेक्ट है, तो क्यों ना हम इसके ऊपर जाके बैठ जाएं. और भारत के वो जारी बात है, वो चाहेंगे कि हमें इस चीज को कैश इन करना चाहिए और वहां से ये पैसा निकालना चाहिए भारत से. तो ये एक एक इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, अदर देन कि वो क्या करते हैं उसके बाद में उसको क्या फायदा होगा इंडिया को, वो एक और पॉइंट रह जाता है. लेकिन जब ये फैसला होगा कि हमने ये पैसा लगाना है, तो बड़े बड़े ममालिक जो है उनके तेवर बदल जाएंगे भारत की तरफ के, भाई इस मुल्क ने इतने पैसे लगाने हैं, सो लिहाजा इनके साथ जो है वो ताल्लुकात की जो नोयत है वो बदली जाए. उसी के साथ अगर देखा जाए तो जिसे अगर इस एजिंग मिलिट्री मशीन को ठीक करना है, तो आप ये समझ लें कि भारत जो है वो तकरीबन 3% अपनी जो GDP का है वो डिफेंस पे लगा रहा है. इवन कि अगर आप कहें कि यूरोप जैसे मुल्क जो है वो इतना नहीं लगा रहे, लेकिन बहुत से यूरोप के ममालिक नहीं लगा रहे, लेकिन भारत को पता है कि हमें हमारे जो, क्योंकि टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं जी, कि पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, टू फ्रंट वॉर डिस्कस अक्सर होता है, तो वो उसमें जारी बात है वो जाना चाह रहे हैं. तो इस हवाले से वो उनको अपना एक्सपेंसिस बढ़ाने पड़े नरेंद्र मोदी के दौर में. आगे देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिन्होंने अक्सर MOUs कहते हैं, जो हुए तकरीबन 201 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने रिसेंटली साइन किए हैं अपनी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, बाकी लोगों से कुछ चीजें लेने के लिए. और ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री जो है उसकी एक स्ट्रेंथ भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है. और ये पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ऊपर आएगा, क्योंकि जो प्राइवेट जो सेक्टर है पूरी दुनिया के, जो उन्होंने अपनी कंपनियां इंडिया में आके बना ली हैं, जैसे लॉकहीड मार्टिन वगैरह इंडिया में बैठे हुए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जी इंडिया एक क्रिटिकल मार्केट है. तो जब आपको ये पता चलेगा कि मिडल ईस्ट में तो कॉन्फ्लिक्ट्स नीचे जा रहे हैं, और पाकिस्तान इंडिया जो है उनके मामलात तो खराब हैं, और लेकिन इंडिया जो है वो चाइना का मुकाबला करने के लिए और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, तो जारी बात है फिर वो फायदा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को होगा.